बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर, जॉब्स एमसीक्यूज यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, ये लेक्चरर का पेपर हुआ था, कल ही ये पेपर हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए पाकिस्तान स्टडी लेक्चरर का ये पेपर हुआ था, यानी 16/11/2021 को। तो जो एमसीक्यूज मुझे मिले हैं तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सेपरेट इलेक्टोरेट, तो सेपरेट इलेक्टोरेट इसका करेक्ट आंसर क्या था? मिंटू मार्ले रिफॉर्म थी इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि मोहम्मद अली बोगड़ा फार्मूला, मोहम्मद अली बोगड़ा फार्मूला जो था ये कौन सा था? थर्ड ड्राफ्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि द इनर्शियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 प्रॉपरली नॉन ए, तो इसको दिरावलात एक्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि वन यूनिट वॉज पास्ड बाई, तो वन यूनिट जो है ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि इंडियन एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन जुलाई 26, 1876 बाई, तो ये बनारस जी इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि अ रिजोल्यूशन टू फॉर्म द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वास पास पाई, तो ये नवाब सलीमुल्लाह खान ने पास किया था। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि एल एफ ओ 1970 बाई, तो ये जनरल यहया खान थे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि सिंध वास सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ, तो सिंध जो है ये गवर्नमेंट एक्ट 1935 के तहत सेपरेट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वास पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द सीमोन कमीशन, तो ये 1935 इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि हु अब्रोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सिकंदर मिर्ज़ा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि द सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन वाज फाउंड इन 1877 बाई, सैयद अमीर अली ने फाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज इन्फोर्स्ड ऑन, तो ये 8 जून 1962 को इन्फोर्स हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द, तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि द फर्स्ट बिल पास्ड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जनवरी 1949 को ये किसने किया था? प्रोडा, यानी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि मुस्लिम सिक्योर्ड डेट सीट्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इन 1946 इलेक्शंस, तो ये ऑल द सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि विच एक्ट प्रोवाइडेड द सेफ गार्ड ऑफ माइनॉरिटीज, तो द एक्ट ऑफ 1935 था। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि मूवमेंट बाई मुस्लिम अगेंस्ट संगतान, ये जो मोमेंट था जो मुस्लिम के ख़िलाफ़ था, तो ये तबलीग यानी संगतान मोमेंट था, तो ये तबलीग और तंजीम के ख़िलाफ़ था। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ कांग्रेस टू वर्ड अगस्त ऑफ़र, यानी कांग्रेस का रिएक्शन क्या था अगस्त के ऑफ़र में, तो ये रिजेक्ट ऑफ़र एंड स्टार्ट सिविल डिसओबीडियंस इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि डे ऑफ डिलीवरेंस, यानी डिलीवरेंस का दिन जो है ये एंड ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि द इमीडिएट फॉरनर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, तो ये कौन था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाई, तो ये एक इंडियन एसोसिएशन है, तो ये सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज मूव बाई, तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन को मौली फजल हक इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं के बंगाल वास पार्टिशनेटेड बाई, तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि द एंटी पार्टीशन द बंगाल मूवमेंट वास, तो ये कौन था? स्वदेशी मूवमेंट था। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि हु बिकेम द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो ये सैयद अली हसन बेलग्रामी थे। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कि आफ्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच अवार्ड वॉज अनाउंस, तो ये कम्युनल अवार्ड अनाउंस हुआ था। इससे ये जो राउंड टेबल हुए थे 1929, 30 और 31 को तीन राउंड टेबल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड आफ्टर विच कमीशन, तो ये सिमोन कमीशन के बाद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं कि इन विच पैक्ट हिंदी मुस्लिम वार यूनाइटेड, तो ये लखनऊ पैक्ट 1916 था। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं कि नॉन कॉपरेटिव
कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई गांधी आफ्टर तो ये जलाने वाला बाग के बाद इन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, वर्निकुलर इज प्रेस ऑफ मीडिया ऑफ तो ये इंडिया, इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाई तो ये राजा राम मोहन राय, इस करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड ये था पेपर, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।